नमस्कार दोस्तों दोस्तों हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर एक ऑफिसर बने, और अगर वह ऑफिसर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बने तो उसकी बात ही कुछ और है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे कैरियर के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप 12th के बाद एक एश्योर्ड ऑफिसर बन सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेशनल डिफेंस अकेडमी की, जहाँ पर 12th के बाद आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं। एक इंटरनेशनल सर्वे के दौरान NDA वर्ल्ड के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में शामिल किया गया है, जो कि एडमिशन के लिए सबसे मुश्किल माने जाते हैं। तो NDA के कैडेट बनकर आप वो जिंदगी जी सकते हैं जिसकी बाहर वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में मैं आपको NDA में एडमिशन की फुल प्रोसेस की जानकारी दूंगा। आपकी उम्र 16 से 19 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अक्सर मुझसे ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कौन से डेट से एज देखी जाती है। तो दोस्तों, जिस तारीख पे NDA में कोर्स शुरू होने वाला है उस तारीख की ये अपर और लोअर लिमिट्स एज हैं। तो अगर 1 जुलाई को कोर्स NDA में शुरू होगा तो 1 जुलाई तक आप इस दोनों उम्र के बीच में होने 10+2 होने चाहिए। लेकिन आप जिस टाइम 10+2 कर रहे हैं उस ईयर में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते कि कोर्स शुरू होने से पहले आपकी 10+2 क्लियर हो जाए। आर्मी के लिए नॉर्मल 10+2 किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। NDA का रिटन एग्जाम UPSC द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, और SSB जनरली अक्टूबर या जनवरी और अप्रैल में कंडक्ट करे जाते हैं। NDA में कोर्सेज 2 बार शुरू होते हैं, जिनको जनवरी और जुलाई में होते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग NDA में सारे कैडेट्स की 3 साल होती है। उसके बाद जो आर्मी के कैडेट्स होते हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं। नेवल कैडेट्स इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला में 1 साल की ट्रेनिंग और करते हैं, और एयरफोर्स कैडेट 1.5 साल के लिए एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में एडिशनल ट्रेनिंग करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं NDA रिटन एग्जामिनेशन की। दोस्तों, NDA रिटन एग्जामिनेशन 2 सब्जेक्ट्स में होता है। पहला सब्जेक्ट है मैथ्स और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। दोनों पेपर 2.5 आवर्स के होते हैं। मैथ्स के 300 मार्क्स होते हैं और जनरल एबिलिटी के 600 मार्क्स होते हैं। तो टोटल मिलाकर आपके रिटन एग्जाम के 900 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा जब SSB टेस्ट आपके होते हैं उसके भी 900 मार्क्स होते हैं, और टोटल आपकी मेरिट 1800 मार्क्स से बनाई जाती है। दोस्तों, रिटन एग्जाम का सिलेबस टाइम टाइम पर UPSC द्वारा जारी किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि सिलेबस देखने के बाद ही अपनी तैयारी शुरू करें। सबसे पहले मैथमेटिक्स। मैथ्स में आने वाले टॉपिक्स जनरली आपकी 8th, 9th और 10th क्लास से संबंधित होते हैं। बहुत कम क्वेश्चन होगा जो कि 11th क्लास से पूछा जाएगा, और इसलिए अगर आप अपनी NCERT बुक्स ठीक से कर लेते हैं तो आप अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक है एलजेब्रा, सेकेंड टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, थर्ड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ टॉपिक है एनालिटिक जियोमेट्रिक ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशंस, फिफ्थ टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, सिक्स्थ टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेवन्थ वेक्टर एलजेब्रा, और 8th टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, इन टॉपिक्स में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी की वेटेज ज़्यादा होती है, जैसे कि एलजेब्रा की वेटेज हमेशा बाकी टॉपिक से ज़्यादा होगी। तो पुराने 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लें, उन्हें ठीक से एनालाइज करें और उसी हिसाब से अपनी मेहनत करें। आइए अब दूसरा टॉपिक लें, वो है जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जनरल एबिलिटी टेस्ट में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा है, इसलिए इसमें अच्छे से ध्यान दें। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश 200 नंबर का और जनरल नॉलेज 400 नंबर का। इंग्लिश का पेपर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश को चेक करने के लिए लिया जाता है।
इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं ग्रामर एंड इट्स यूसेज, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन इन एक्सटेंडेड टेस्ट टू टेस्ट द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो दोस्तों आप अपनी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के उन्हें अच्छे से करें और जो मैंने आगे रिकमेंडेड बुक्स दी हैं उन्हें एक बार देख लेंगे तो आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। जनरल नॉलेज, दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एनडीए के रिटन एग्जाम का, क्योंकि इसके मार्क्स 400 होते हैं। अब इसमें भी मैंने जनरली देखा है कि आप करंट इवेंट्स में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 15 मैगजीन लगा लेते हैं और मैक्सिमम टाइम आप करंट इवेंट्स में वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि टोटल 400 मार्क्स में से करंट इवेंट्स के मार्क्स हैं सिर्फ 10%, यानी कि 400 में से सिर्फ 40 नंबर के लिए आप मैक्सिमम अपना टाइम दे रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में आप देखें तो 25% मार्क्स हैं और उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे कि जो वेटेज मैंने स्लाइड में दिखाई गई है उसके हिसाब से आप अपना प्रेपरेशन करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ और ज्योग्राफी, इनमें ज़्यादा मार्क्स होते हैं और इन्हें ध्यान से अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें फिजिक्स जो कि 100 मार्क्स का होता है, इसे अच्छे से करें, 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी बुक्स दोबारा से रिवाइज कर लें। इसमें दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके अलावा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सारे जो आपने 8th, 9th में किए हैं वो टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री जो कि 60 मार्क्स की होती है, जिसमें कि फिजिकल केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर्स, इक्विवेलेंट्स, ये सारे टॉपिक जो आपने 8th, 9th, 10th में किए हैं वो सारे आपकी केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। जनरल साइंस जिसे कि हम बायोलॉजी कहते हैं, ये 40 मार्क्स का होता है। अगर आपने बायोलॉजी रखा है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं तब भी आप रिकमेंडेड बुक्स में से ये सेक्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फूड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस टाइप के कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी में आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री, ये 80 मार्क्स का होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री तो जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपकी फ्रीडम स्ट्रगल, सिविलाइजेशंस, एलिमेंट्री स्टडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, महात्मा गांधी, इस तरह के जो कल्चरल इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, वो सारे आपको हिस्ट्री में स्टडी करने चाहिए। इसके अलावा आपको मॉडर्न वर्ल्ड की जो फोर्सेस हैं, रिनाइसास, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरीज, कंसेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं जो आपने नॉर्मली अपनी हिस्ट्री की बुक्स में किए हैं वो आपको अच्छे से करने चाहिए। ज्योग्राफी 80 मार्क्स का होता है और इसमें अर्थ, जनरल लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और जो बेसिक चीज़ें जो कि आपके क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, इस तरह की जो चीज़ें हैं ज्योग्राफी में, वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए, कौन सी सिटी कहाँ है, कौन से मेन पोर्ट्स हैं, कौन से लैंड रूट्स हैं, ये सब जो है आपको ज्योग्राफी में आने चाहिए। अब दोस्तों करंट इवेंट्स जो कि सिर्फ 40 मार्क्स का है, इसके लिए आपका जो जनरल नॉलेज है वो आपको आना चाहिए। डे टू डे करंट इवेंट्स क्या चल रखी हैं वो आपको सब पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और एक या दो मैगजीन्स जो करंट इवेंट्स की हैं वो देखते हैं तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपके लिए मैंने कुछ रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट बनाई है जिनसे कि आप अच्छे से एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप ये बुक्स ठीक से कर लेंगे तो आपको कोई और एडिशनल कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स के लिए डॉक्टर आरएस अग्रवाल की जो कि चांद पब्लिशर्स द्वारा बुक है, मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एंड नेवल एकेडमी, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें से आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा एनसीईआरटी की बुक्स के एडिशन में। इसके अलावा जनरल साइंस के लिए आप कंपिटिशनिप गुरु की ये बुक पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए ये अरिहंत और डॉक्टर गुप्ता की ये जो दो बुक्स आप सामने देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों कंपिटिशन सक्सेस रिव्यू आपके लेवल पर काफ़ी अच्छी मैगजीन है। दोस्तों अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वो है एसएसबी प्रोसेस। एसएसबी में रिजेक्शन रेट 70, 80, 90% तक जाता है और इसलिए एसएसबी की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसबी के लिए मैंने मैक्सिमम वीडियोज़ बनाए गए हैं जो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। एसएसबी प्रिपरेशन में आप मेरे वीडियोज़ देखने के अलावा इन दो बुक्स की हेल्प ले सकते हैं जो कि आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। इसके अलावा
किसी भी कोचिंग एकेडमी में ना जाएं। बार बार मैं सबसे ये बताता हूँ क्योंकि ये आपका भला नहीं करता लेकिन सिर्फ नुकसान करता है। दोस्तों, NDA एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने वो सपने पूरे कर सकते हैं जिसके देखने की दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक जीने का अलग ही तरीका है और मानिए कि आप एक बार वहाँ जाएंगे तो जिंदगी में बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आपकी प्रेपरेशन के लिए और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बहुत से सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आप यूट्यूब में देख सकते हैं। दोस्तों, उन्हें अच्छे से देखें और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें। आपको किसी और कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैनल है राहगीर इंडिया, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।